टेलीकॉम वॉर की शुरुआत जो करी वो करी जियो ने, मतलब मुकेश अंबानी जी ने, और उसके बाद जियो आया, जियो का ऐसा तहलका मचा कि यहाँ पे सब कुछ हिल गया। देखते रहिए वीडियो, जानेंगे आप सब कुछ। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ हाँ हाँ, देखो अब। मतलब टेलीकॉम कंपनी ने ना यहाँ पे दिवाला निकाल रखा था सारे लोगों का, सारे कस्टमर का। ये महंगे महंगे प्लान, ये महंगे महंगे बिल्स, और यहाँ पे कस्टमर भी परेशान हो चुका था। मुकेश अंबानी बिल्कुल भगवान बन गया और उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं सबको मुक्ति दे के रहूंगा। और भैया मुक्ति ऐसी दी उन्होंने कि यहाँ पे सब कुछ हिल गया, प्राइवेट वाले हिल गए, मतलब कितनी कंपनीज बिक गई एक दूसरे के अंदर। जैसे आ गया वोडाफोन एक हो गए, एयरसेल किसी और के साथ चला गया, रिलायंस बिक गया, जियो नहीं दूसरा रिलायंस, ठीक है। यहाँ पे बाकी छोटी मोटी कंपनी तो बिजनेस से बाहर ही हो गई, वो बिकी नहीं, खुद ही छोड़ के चली। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनी है वो यहाँ पे टिकी रही, वो रही यहाँ पे BSNL। BSNL ने मतलब काफी तरक्की करी यहाँ पे, काफी अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे अब लगता है कि BSNL की भी हालत खराब होगी। लेकिन बट बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी बंद तो नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी को परचेज करने की भी किसी की हैसियत हुई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जब जियो ने एंटर किया मार्केट में तो बिल्कुल गोरिल्ला अटैक किया उसने मार्केट में घुसते ही, और प्राइस वॉर में घुसा, मतलब प्राइस को लेकर उसने ऐसा कॉम्पिटिशन फैलाया, ऐसी गंदगी फैलाई कि यहाँ पे सब पीछे हट गए और जियो सबसे आगे आ गया। लेकिन धीरे धीरे बाकी कंपनीज को भी समझ में आ गया कि नहीं, प्राइस पे उनको भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो प्राइस अच्छा नहीं देंगे, मार्केट में कॉम्पीट नहीं करेंगे, तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और इसलिए यहाँ पे एयरटेल ने मतलब बहुत ज्यादा पुश किया अपने आप को, वोडाफोन ने बहुत ज्यादा पुश किया, और यहाँ पे सरकारी कंपनी BSNL ने भी बहुत काम किए। इन सबके बावजूद यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के हाथ में एक चीज थी, वो ये कि वो एम्प्लॉयज को हायर और फायर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर हायरिंग फायरिंग इतनी ईजी नहीं होती। और मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है कि आप एक बार घुस गए गवर्नमेंट कंपनी में तो भैया जॉब वहां पे हो जाती है सिक्योर। लोग चाहते हैं कि कैसे भी गवर्नमेंट कंपनी में घुस जाएं, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट सर्विस हाथ में आ गई तो फिर वो सेफ हो जाते हैं। लेकिन BSNL के साथ कुछ कहानी यहां पे उल्टी पड़ गई है। अब यहां पे BSNL बात कर रही है कि यहां पे वो अपने 35,000 एम्प्लॉइज को फायर करने वाली है। अब यार फायर की बात आपने मतलब वोडाफोन से सुनी थी, एयरटेल ने करा, जियो ने भी किया था कुछ फायर, लेकिन अब BSNL फायर करेगी, एक गवर्नमेंट कंपनी फायर करेगी, ये बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हुई भैया। अच्छा, फैक्ट और फिगर की बात करें तो यहाँ पे देखो, बाकी प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर जो है उनके पास जो एम्प्लॉइज का बेस है वो है 25,000 से 30,000, लेकिन बात करें BSNL जो कि दूसरी तरफ है, BSNL के पास अकेले 1,80,000 एम्प्लॉइज है। BSNL में सब्सक्राइबर कम है, सर्विस कम है, लेकिन 1,80,000 लोग इसको संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब BSNL को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी ना BSNL ने काफी हद मचाई यहाँ पे, और पिछले साल मतलब 2017-18 में BSNL ने कोशिश किया कि यहाँ पे हम कुछ कॉस्ट कटिंग करें। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, ट्रैवल बेनिफिट्स हो गए, मेडिकल अलाउंस वगैरह, इन सारी चीजों पर कॉस्ट कटिंग करी। यहाँ पे बहुत सारी कॉस्ट कटिंग करने के बाद BSNL अल्टीमेटली बचा पाया 2,500 करोड़ रुपए, लेकिन उसका जो एक्चुअल खर्चा है के एम्प्लॉइज पे वो है 15,000 करोड़ रुपए। मतलब 2,500 से यहाँ पे बात बनने वाली थी नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद BSNL ने यहाँ पे फर्दर सर्वे कराया, और सर्वे कराया IIM अहमदाबाद से। उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि भाई अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो, अगर BSNL कंपनी को सर्वाइव करना है आज की मार्केट में, तो उसको यहाँ पे 35,000 एम्प्लॉइज फायर करने होंगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर वो 35,000 एम्प्लॉइज को यहाँ पे फायर करते हैं, कंपनी से निकालते हैं, तो यहाँ पे जो कॉस्ट आएगा उनको वो आएगा 13,000 करोड़ रुपए का। स्टिल 15,000 करोड़ से कम है, लेकिन हाँ ये है कि अगर वो फायर करते हैं तो एक साल में उनको इतना पैसा देना पड़ेगा 13,000 करोड़ रुपए, जो कि एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स होते हैं या फिर उनके 3 महीने की सैलरी मिला के 35,000 एम्प्लॉयज को अगर वो देते हैं तो फिर वो अगले साल से मतलब एक साल बाद से 13,000 करोड़ रुपए बचा पाएंगे, और अल्टीमेटली फिर वो कंपनी को एक प्रॉफिट लेवल पर ला पाएंगे। यहाँ पे BSNL के पास अभी भी मजबूरी है, बिकॉज उसका जो एम्प्लॉय बेस है वही उसको डुबाने का सबसे प्राइम कारण बन गया यहाँ पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे BSNL क्या करती है। वैसे वो डिसाइड करने जा रही है इस चीज कि वो 35,000 एम्प्लॉइज को लगभग फायर करेगी, और उनको वो VRS पैकेज देगी। अभी VRS पैकेज मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। VRS होता है यहाँ पे वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, और ये उन पे अप्लाई होता है जो या तो 10 साल से उस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर उनकी जो एज है वो 40 के पार हो गई है। तो ये दोनों कंडीशन में उन एम्प्लॉइज को पहले फायर करेगी कंपनी, बाकी कंपनी की अपनी म्यूचुअल डिसीजन है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात वही थी अल्टीमेटली कि जब तक लोग सोचते थे कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब सेफ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुकेश अंबानी ने उस चीज को भी यहाँ पे बदल के रख दिया, जियो ने उस चीज को भी बदल के रख दिया है। तो भी बहुत सारे टेंशन का माहौल मचा हुआ है BSNL के एम्प्लॉयज में, और देखते हैं BSNL क्या डिसीजन लेती है। आई होप कि फायरिंग ना हो, कुछ और डिसीजन निकल जाए, लेकिन भैया मार्केट बहुत डायनेमिक है और कॉम्पिटिशन
ये थे सारे फैक्ट एंड फिगर BSNL के बारे में। अब वो सरवाइव कैसे करती है, अगर कुछ आता है तो आई लेट यू नो। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, आगे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।